वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। अभी बज रहे सुबह के 9 और अभी सब लोग घर में अपने अपने काम से लग गए हैं। जैसे नायरा घर में मस्ती करना स्टार्ट कर दिए, काम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और कुणाल और शिवानी दोनों वो घर पे एडिटिंग कर रहे हैं। मतलब शिवानी को एडिटिंग सिखाना है ना, तो कुणाल वो काम कर रहा है, और बाकी मम्मी नायरा और पूजा क्या क्या कर रहे हैं चलो आपको बता दो। पप्पा शॉप पे गए और ये देखो नायरा कुछ भी निकालने लगा थी, बस कपाट खोलो उसमें लिपस्टिक दो सब काम बढ़ाने के काम कर रही है नायरा तू। चलो हो गया, चलो बाल करो, आ जाओ। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग, मैं न्यू बेडशीट लेकर आई हूँ दिवाली की, बस चेंज कर रही हूँ अभी, क्योंकि आज से दिवाली स्टार्ट होती है, इसलिए हम लोग सब चीजें अभी घर में चेंज करेंगे। सोफा कवर हो गए, बेडशीट्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, कुशन कवर्स हो गए। गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, सुबह के वजह 9:30 और शिवानी मॉर्निंग वॉक करके आ गई है। अभी हम लोग एडिटिंग करेंगे इधर। आज सेकेंड डे है शिवानी के ट्यूशन का और मैं उसका टीचर हूँ। सीख रही है फटाफट ब्लॉगिंग करना और एडिट करना सीख रही है शिवानी। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और नाश्ते में आज है पोहा। और ये रसा है, रसा पोहा पसंद है, और मुझे शिवम का रसा पोहा पसंद है बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है अपन उधर ही खा लेंगे आज। नहीं बनाए। और नायरा ने नहा लिया है, बट आज उसको ना बाली नहीं डालना है, बहुत गुस्सा आ रहा है उसको बाल डालने। तो अभी मैं और पूजा हम दोनों जा रहे हैं शॉप क्लिनिक के काम से, पूजा के, और बाहर एक दो काम भी है तो वो हमको कंप्लीट करना है। तो मैं और पूजा निकल रहा हूँ, बस अभी टास्क एक ही है कि नायरा और मम्मी है घर में अकेले, तो नायरा को बिना बोले कैसे जाए। जब भी हमको निकलना रहता है ना घर के बाहर, तो हम लोग को 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि नायरा को कभी अंदर के रूम में लाना पड़ता है या तो हमको पीछे से जाना पड़ता है, और जब भी हम लोग जाते हैं ना तो नायरा को समझ जाता है। तो बिना बोले उसको बिना समझे निकलना घर से अभी बहुत बड़ा टास्क हो गया हम लोगों के लिए। किसका ड्रेस आया है नायरा? ये नायरा का दिवाली ड्रेस। किसका ड्रेस आया है नायरा? तेरा ड्रेस आया, तेरा नहीं मेरा ड्रेस है वो। किसका ड्रेस आया है नायरा? ऐसे से करो नायरा, किसका लगा किसका ड्रेस? अरे वाह यार, और ये देखो नायरा का दिवाली का ड्रेस आया। ऐसे ड्रेस अच्छे लगते हैं, कपड़ा ऐसा होना चाहिए। ये देखो मम्मी के बच्चे होते हैं। और ये मेरा फेवरेट है, मैंने चॉइस किया था। वाह नायरा कैसा लग रहा है ड्रेस? पापा की है वो, पापा की चॉइस है वो। और ये देखो ये कमर पे बेल्ट। वाह यार नायरा दिवाली ड्रेस। अब हमने आपके लिए ड्रेस लाया, आप कुछ बोलोगे? थैंक यू बोल पापा, बोलो थैंक यू बोल पापा। थैंक यू पापा, बोलना बच्चा करीना पैसे। थैंक यू। अच्छा बहुत अच्छा ड्रेस आए, अच्छे लग रहे हैं मम्मी। बहुत अच्छा लगा ऐसे कपड़े होना बच्चे को नरम। तो हम लोग वो घर से आ चुके हैं अभी एडिटिंग करके। पूजा भाभी अखिल भाई मार्केट गए, शिवानी भी रेडी हो चुकी है, और मम्मी ने अभी पूजा कर ली। ओम साई राम, पावगढ़ वाली माता की जय। तो आज खाने में क्या बन रहा है? दाल चावल चौली की सब्जी रस्से वाली। तो भूख लगी है, खाना दे दो फिर मैं जाता हूँ शॉप पे। गुड मॉर्निंग गाइस, पापा गए क्लास, बोलती नहीं अब नायरा, बड़ी हो गई ना भाव खाती है। चल अभी बोलना, देख तू दिख रही है इसके अंदर। हाँ हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बंद कर दूँ फिर कैमरा? गुड मॉर्निंग, पापा गए क्लास गए, मम्मी कहाँ गई? टीचू देने गए। अच्छा टीचू देने, तुमने खाना खाया क्या? पानी पिया? अच्छा टफी ने खाना खाया? तो भी खाना लग चुका है, मैं खाना खा के शॉप पे जाऊँगा, और मेरा नहाना भी हो चुका है। आज एक खाने में चौली दाल भिंडी की सब्जी अचार पानी रोटी। तो मैं मम्मी मनीषा भाभी और शिवानी खाना खा रहे हैं, और नायरा भी हमें सपोर्ट करने आ गई। शिवानी मैं क्या दो दो सब्जी खाऊंगा। तो अभी मेरा खाना हो चुका है, अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, मिलते हैं शाम में। बाय नायरा।
देखो ये पूजा भाभी की स्टाइल मानने आती है, पूजा भाभी कान में पहनते ना वैसे देखो। ओ हो वाह अरे वाह। अभी मैं और अखिल आए हैं मार्केट और ये देखो पूरी दिवाली वाली फील आ रही है। गन्ने का जूस विद आइसक्रीम मिलता है यहाँ पे, हमने वो खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है जलगांव में। तो अभी हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो मैंने रास्ते से सीताफल ले लिए बिकॉज शिवानी ने लाए हुए सीताफल पूरे ख़त्म हो गए। और ये फ्रूट का नाम मुझे नहीं पता पर ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट में प्लीज बताना प्लीज़ क्या है इसका नाम। बट ये मैंने टेस्ट किया, मुझे इसका नाम नहीं पता क्या है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे तो मैंने खरीद लिए। और आंवले लिए हैं, आंवले को ले रखने के लिए जगह नहीं थी तो मैंने पर्स में रखे हुए बता सच में नहीं जगह थी। और अभी हम लोग आए 94.3 माय एफएम में जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है हमारे प्रोग्राम का डिस्कशन करना है। बार कोई स्टूडियो देखूंगी, ये माय एफएम में हम लोग जा रहे हैं, इसके पहले मैं कभी कोई स्टूडियो नहीं आई थी। तो अभी हम लोग है ना पूजा को स्टूडियो बता रहे हैं। ये अदनान सर है, हाय सर। हेलो और अभी पूजा को बता रहे हैं। मैं कोई स्टूडियो देख रही हूँ जलगांव में, हमेशा वीडियोस में देखा है मैंने, तो इस बार हमें दिखाया जा रहा है स्टूडियो कैसे होता है। हाँ यही से होते हैं आरजेस के सारे शोज, जितने भी बातें आरजेस की होती है, जितने भी सॉन्ग्स प्ले होते हैं, जितने भी एड स्पॉट जाते हैं, तो जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मल इंसान का दिल होता है तो ये है रेडियो का दिल स्टूडियो। सीरियसली कुछ अलग ही फील है यहाँ पे। हाँ बहुत अलग। सो ये कंसोल डिजिटल होते हैं, नॉर्मल ऐसा होता है कि आकाशवाणी वगैरह में अगर आप जाते हो बाकी कहीं इसमें जाते हो तो ये डिजिटल कंसोल्स नहीं होते, ये सिर्फ आपको कमर्शियल रेडियोज में ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो उसको म्यूजिक वगैरह एंड मिक्सिंग जो करनी होती है यस वो सब काम यहाँ पे होता है। अच्छा वो आप करते हो? यस। ओह वाओ मतलब मैंने ना अभी हम लोगों ने ब्लॉग बनाते हैं हम लोग तो एडिटिंग के क्लासेस किए थे तो उसका क्लास था लेकिन मैं दो दिन करके छोड़ दिया, मतलब ये अपनी बस की बात नहीं है। बाय प्रोफेशन आई एम डॉक्टर एक्चुअली, मेरा एमबीबीएस हुआ है। ग्रेट। तो ये सब बहुत मेहनत है यार। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, कैसा लगा मैडम? बहुत बहुत अच्छा लगा, मैंने पहली बार अंदर से देखा, नहीं तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ जो आरजे प्रवी के होते हैं, बहुत कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं वो किसी के प्रैंक वाले, तो तब देखती हूँ आजू बाजू से स्टूडियो कैसे रहता है, माइक कैसे रहता है, तो आज फर्स्ट टाइम लाइव देखा, बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आए पूजा के क्लिनिक पर, वो सब फर्नीचर का काम देख रहे होगे आप, हो गया है आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये सीढ़ियाँ भी हो गई ऊपर के जाने की और ये पार्टीशन और अंदर का ये पूजा का टेबल होगा और पीओपी का भी थोड़ा काम हो चुका है। कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा लग रहा है, दिन पे दिन अच्छा लगने लग रहा है। डन सब काम करके हम लोग घर पे आ रहे हैं, आ गए ऑलमोस्ट पहुँचने पे, दो मिनट में पहुँचने। और मम्मी को फ़ोन किया था मैंने कि नायरा ने खाया क्या या फिर वो सोई है क्या, तो वो बिल्कुल नहीं सोई है, मस्ती कर रही जब से हम लोग निकले घर से। और उसको पता है फ्रिज में उसकी बची हुई आइसक्रीम पड़ी है तो उसने बराबर वो आइसक्रीम मांग के पूरी ख़त्म की है। देखो आवाज़ आ रहा है उसका, नायरा कहाँ गए? अरे बाप रे आपने तो इतनी रेड रेड नेल पेंट लगाई है नायरा। क्या है क्या बोल रही मम्मी? दीदी का है वो क्या? शिवानी सोना के लगी थी तो शिवानी को नहीं बोलती ना, मैया आएंगी जब सोंगी, मैया के साथ सोंगी। तो आज भी मैं और पूजा साथ में खाना खा रहे हैं और खाने में नायरा भी हमारे साथ खा रही है। भिंडी बोलो, भिंडी भिंडी क्या क्या खा रही है? भिंडी भिंडी। और खाने में है आज फ्राई भिंडी है, इसको मैंने ऐसे बनाया है, डीप फ्राई किया है और उसके साथ उसमें चाट मसाला, नींबू, लाल मिर्च और थोड़ा नमक ये ऊपर से डाला है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही चटपटी। और ये शिवानी ने आज बनाई है चवली की सब्जी ग्रेवी के साथ, बहुत मस्त बनी है। और ये कल जब हम लड्डू मसल रहे थे तो आज फाइनली उसके लड्डू बन चुके हैं। और ये है दाल, अनारसे और नायरा का दाल चावल जो दादी खिला रही है नायरा को, जाओ बेटा खा लो। और यहाँ देखिए मैंने और मम्मी ने मिलके लड्डू बना लिए, बेसन के लड्डू, गोल गोल तो नहीं है बट
ठीक है, बनाया हमने बस। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं, मैं शॉप से आ गया हूँ और जैसे ही मैं एंटर किया घर में, बाप रे बाप, देखो ये क्या क्या हो रहा है इधर, ये देखो ये लड्डू लड्डू चकली, इधर शंकर पाड़े सांजोरी, बाप रे बाप, हो गई पूरी दिवाली। और ये देखो दिवाली पंखा लगा ले तो शिवानी, वैसे ही शिवानी को गर्म बहुत होता है पहले से, मम्मी ने इसको एकदम अच्छे से मसला था, फिर भी इसको थोड़ा और मसलना पड़ रहा है। और नायरा सोई है इसलिए इतनी चीजें कर पा रहे हो तुम लोग। हाँ सो रही थी बंटी को, पूजा को बोला पहले गाड़ी पे राउंड मारा इसको 2-3 अच्छे से, कब सोयो। तो अखिल भाई और पूजा भाभी मार्केट गए दिवाली का कुछ और सामान लाने के लिए, और अभी मैं नाश्ता करके फिर से डांस क्लास जाऊँगा और रात में होगा क्रिकेट। शिवानी अखिल भाई फिर से नाराज हो गए, मम्मी भी कैप्शन देख के पूछ रही है क्या था अखिल क्यों नाराज हो गया था, उसको क्रिकेट खेलने जाने नहीं मिला था ना उस दिन, यानी कोई आया भी नहीं था वैसे, पर वो बहाना शिवानी का मार दिया, शिवानी ने मना कर दिया जाने। तो अभी मैं दाल चावल का नाश्ता कर रहा हूँ और अखिल भैया पूजा भाभी आ गए मार्केट से, बापरे बापरे वाह, लाया दिवाली दिवाली दिवाली। तो ये सब अपने असिस्टेंट्स के लिए लाया लगता है ना, और ये मैंने मेरे लिए लाया, ये लाया और ये असिस्टेंट्स के लिए, ये होटल सेलिब्रेशन। ओके, और तेरे लिए भी कुनाल कुछ लाया है, क्या ढेर सारा प्यार। अरे बाप रे बाप, देखो शुभ लाभ, मस्त है मस्त है ना, बहुत ही प्यारे। मैंने भैया और कुणाल को बोला है कि आप भी ये ट्राई करो कैसे बनाते हैं, तो अभी देखते हैं। ये तो रोल नहीं हो पाएगा, नहीं, बाकी नहीं, वो रोल से करना है स्टार्टिंग, ऐसा थोड़ी नहीं है, अलग सांजोरी हो जाएगी वो, तो ट्राई तो करना चाहिए ना। बाप रे, थोड़ा आटा लगा सकते हैं, आटा ये लगाओ। अगले साल का फरहाल का कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी को देना है तिलकपुरे फैमिली में, तो अखिल और कुणाल मिलके सारा फरहाल बनाएं। यस यू कैन डू इट भैया, भले ही गोल ना हुई हो पर सांजोरी सांजोरी वैसे भी उसमें शेप आ जाएगा उसको, चलता गोलने के लिए, पर अब बढ़ने को तो ना बढ़ रही नहीं, हक्के ना मैं देखना अगले साल तक जरूर बढ़ जाएंगे। ऐसा बचपन में पप्पड़ मिलते थे, हम भी बनाते थे पप्पड़ लाके खोल के दे देते थे। ये लगाओ थोड़ा सूखा आटा, हल्का सा लगा ऐसा ऐसा, ट्रांसपेरेंसी बस कुना बस, लेकिन तो पड़ जाएगा, उठाओ भैया और तेल में ऐसे डालो और फिर उसको निकालो, तेल ठंडा है सही में डालने का। देखो दोस्तों, तो इसके बाद आपको करना होता है, यू शिवानी हेल्प मत करो, एक मिनट ऐसा करना, कितने चम्मच, 5 नहीं चम्मच, थोड़ा सा 1.5-2 चम्मच हो जाएगा। अभी इसको ये लगाना, हाँ, ठीक है, पानी आगे रहता है, पानी स्पीड बहुत ही कम है लड़के का, वो भी ऐसे ही हो जाता है, नहीं होता है, सब शिवानी हेल्प कर रही है मेरे वक्त, मैं नहीं बोलूंगा पूजा को हेल्प करने के लिए, ये कंपटीशन है, ये ऐसा ऐसा दबाना अच्छा है, साइड में बॉर्डर पे भी दबाओ, इधर भी दबाना, सब उसने बताया है शिवानी ने, और इसको ऐसे खोला जाता है, देखा शेप देखा, अरे उठाओ ना उसको, थोड़ा सूखा आटा दिखाना पड़ता है उसको, थोड़ा आटे में डालो ना उसको, सूखा आटा लगाओ ना, मुझे पता है कब डालना चाहिए कब नहीं डालना। शिवानी तुम हट जाओ वहाँ से, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करोगे आपके जेठ की, आप करना चाहोगे, नहीं नहीं मैं कोई हेल्प नहीं करना चाहूंगी, लंबा लंबा कैसे कैसे संजय बनेंगे, सांजो चेहरा जैसा बनाया आपने, आपके आईना से थोड़ा सा कर इसको, हां ऐसा गुड सुपर्ब, बराबर कर रहे वाओ वाओ, बहु बहु एकदम, ये बहुत रखा है आपने, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कवरेज, किसको ज्यादा मार्क मिलता है देखने का सर, आप लोग देख ही रहे थे कि किसने कितनी हेल्प की है किसी को, और स्पीड भी आप देख सकते हो, बस ढाई चम्मच लेते, तू मीठा बना, तू ये फीका नहीं बनाना है, थोड़ा पानी का, मुझे मम्मी कोई बताएगा नहीं, ये सबसे मेन है, आप देखते हैं क्या करता है, सच में है अखिल बनाई थी क्या तुमने, देखा मेरे को, तू भी तो शिवानी को कब से देख रहा था, वो मेरे को
एक नंबर। मैंने किसी की हेल्प ली क्या? गया नहीं, नहीं गया, गया फिनिश, वो फिनिशिंग नहीं आएगी, हार गया बंटी भैया। काय को भैया, आई ना बरोबर नहीं, नहीं। भैया आप ही नहीं चाहते, भैया आप नहीं चाहते, बट उनकी फिनिशिंग बराबर आई, नहीं बराबर आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम मस्त है। पंडित साहब पे तो बराबर निकले। हां सर, दोस्तों कमेंट करना कौन अखिल भाई जीता है, मैं जीता बताओ। आप सच में कमेंट करना, मैंने किसी की हेल्प ली क्या, आप बताना। हेल्प क्यों करी, तुम कुछ छोटे काम कर रहे थे। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलो अभी हम लोग जा रहे हैं डांस क्लास। डांस क्लास के बाद है ना, हम लोग की एक मीटिंग है अपने संगीत की उदयपुर के, वो मीटिंग होने के बाद उसके बाद फिर रात को जाएंगे। पूजा हमारी तरफ से और ग्लैडिएटर टीम के तरफ से आपको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। और पूजा हमारे सारे ऑनलाइन बैचेस इतने अच्छे से हैंडल करती है, स्विट्जरलैंड की बैच, ऑस्ट्रेलिया की बैच, यूएसए की बैच, सारे जितने भी आउट ऑफ इंडिया के बैचेस हैं, जितने भी हमारे इन इंडिया के बैचेस हैं, वो सारे पूजा ही देखती है। और यहाँ पे भाभी ने रंगोली निकाल दी है। इधर देख, मैं पोज़ दे, पोज़ जल्दी दे। यो। और नायरा का यहाँ रंगोली के पास फोटोशूट किया जा रहा है। नायरा देख लेना प्लीज। वाओ नायरा। और मैं अपने इधर के घर पे भी आई और मैंने यहाँ पे छोटी सी रंगोली बना दी। यहाँ दिया भी लगा दिया तुलसी के पास, क्योंकि आज ऑलमोस्ट हर घर के सामने दिए लगे। तो अभी हम लोग डांस क्लास से निकल रहे हैं, अभी 8:30 बज रहे हैं। पहले कुछ खाते हैं, पानी पूरी वगैरह खा लेंगे, भूख लगी है। फिर हम लोग जा रहे हैं क्रिकेट खेलने, आज लास्ट डे रहेगा हमारा प्रैक्टिस का, फिर उसके बाद दिवाली चालू हो जाएगी, तो फिर हम लोग जा नहीं पाएंगे क्योंकि दिवाली में कोई आएगा नहीं खेलने। तो हम अभी पहले पानी पूरी खा लेते हैं, फिर जाएंगे क्रिकेट खेलने। पानी पूरी इज हियर। और कुणाल को अभी एवेंजर चलाना है, योगेश भाई की कार है, योगेश भाई की बाइक है, सॉरी एवेंजर। कुणाल बोले मुझे चलाना है अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग घर पर आ गए, खाना हो गया और अभी रात के बज रहे 1 और अभी टाइम है सोने का। तो ये ब्लॉग हम लोग इधर ही एंड करते। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फैमिली, जितना प्यार देते उसके लिए, और ऐसे प्यार रखना। और आप चैनल पे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।